हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 15, दैट इज सम नेचुरल फेनोमेना। इन क्लास 8 यू हैव रीड अबाउट विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। यू लर्न दैट साइक्लोन्स कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। क्लास सेवेंथ में आपने साइक्लोन्स के बारे में पढ़ा था, स्टॉर्म्स विंड्स के बारे में पढ़ा था, किस तरह से वो ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे थे। ओके, इस चैप्टर में भी हम कुछ डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट फिनोमेना इज लाइटनिंग। आपने इलेक्ट्रिक पोल्स पे जब भी वायर लूज हो जाते हैं तो वहाँ पे स्पार्क्स होता है, आपने देखा होगा। दिस इज क्वाइट कॉमन व्हेन अ विंड इज ब्लोइंग। ये कॉमन होता है जब विंड फ्लो करती है बिटवीन द शेकिंग वायर्स। इन एंशियंट टाइम पीपल्स डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दीस स्पार्क्स। पुराने टाइम में जो लोग होते थे वो इन स्पार्क्स या का रीजन नहीं जान पाते थे। ओके, सो वो सोचते थे कि ये गॉड का कर्स है, रैथ है। ओके, नाउ अब आज के टाइम में हमें पता है कि लाइटनिंग क्यों होती है, ये स्पार्क्स क्यों होते हैं, सो हम इतना अफ्रेड नहीं होते हैं। The sparks that the Greeks knew, the ancient Greeks knew as early as 600 BC before Christ, that when amber is a kind of resin, was rubbed with fur, it attract light objects such as hair. In 1600 before Christ में Greeks ने उन्हें ये पता था कि जो amber था, that is a kind of resin, जब उसे fur के साथ rub करा जाता था तो वो light objects such as hair, ऐसे objects को अपनी तरफ attract करता था। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी हम वुलन ऊनी कपड़े उतारते हैं तो कुछ हेयर स्ट्रैंड्स होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ। 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट आए जिन्होंने लाइटनिंग के स्पार्क्स को, फिनोमेना को क्लियर किया। ओके, चार्जिंग बाय रबिंग, हम देखेंगे कैसे रब करने से चार्ज डेवलप होता है। व्हेन अ प्लास्टिक रिफिल इज रब विद पॉलीथीन, जब हम प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन से रब करते हैं उसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होता है। उस तरह से जब प्लास्टिक फोम्ब को हम ड्राई हेयर के साथ रब करते हैं तो उसमें भी कुछ स्मॉल चार्ज डेवलप होता है। दीज ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम चार्ज ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ओके, रब करने से चार्ज डेवलप हो गया तो जिन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर चार्ज डेवलप हुआ उनको हम चार्ज ऑब्जेक्ट बोलेंगे। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट्स का नाम लिखना है जिनको हमने रब करा है। मटेरियल्स यूज फॉर रबिंग, जैसे पॉलीथीन से हमने रिफिल को रब करा तो हमने किसको रब करा, रिफिल, तो रिफिल इज द ऑब्जेक्ट, उसको हम ऑब्जेक्ट रब में डालेंगे। एंड किस चीज से हमने रब करा है उसको हम इधर लिखेंगे। फिर हमें यहाँ लिखना है वो पेपर के पीस को अट्रैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो दैट इज चार्ज, अगर नहीं अट्रैक्ट कर रहा है तो इट इज नॉट चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंट्रैक्शन, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज किस तरह से होते हैं। यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया दो बलून लिए गए हैं, ठीक है, उनको हैंग करना है। ओके, इस तरह कि वो एक दूसरे को टच ना करें। उसके बाद दोनों, एक बलून को हम क्लोथ से रब करेंगे और दूसरे बलून को भी हम वुलन क्लोथ से रब करेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, वो एक दूसरे से दूर जाते हैं। इट मीन्स लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। उसके बाद हम क्या, एक प्लास्टिक की रिफिल लेते हैं, उसको हम वुलन क्लोथ से रब करेंगे। उसके बाद रिफिल के को और बलून को पास में लाते हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे से दूर भागते हैं और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, इट इज अ कन्वेंशन टू कॉल द चार्ज एक्वायर्ड बाई अ ग्लास रॉड व्हेन इट इज रब्ड विद अ सिल्क एज पॉजिटिव। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं कि हमने जो ग्लास रॉड को रब करा था रिफिल को, उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ और बलून्स को निगेटिव। इट मीन्स दोनों बलून्स के बीच में निगेटिव निगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे और पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। ओके, सेकेंड नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ चार्ज एक्टिविटी 15.4। टेक एन एम्प्टी जैम बॉटल, एक जैम की खाली बॉटल आपको लेनी है। टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड स्लाइटली बिगर इन साइज, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया, उसके माउथ से बड़े साइज का एक कार्डबोर्ड लेना है, उसमें एक होल करना है। ओके, जिससे आप एक मेटल की क्लिप उसमें डाल सके, इतना आपको होल करना है।
ओपन आउट पेपर क्लिप, जैसा कि फिगर 15.4 में दिखाया गया है, पेपर क्लिप को ओपन करना है. ओके, कट टू स्ट्रिप्स ऑफ एल्युमिनियम फॉइल, 4 x 1 cm की दो एल्युमिनियम फॉइल को कट करना है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है. इसको इस तरह से इसमें हैंग कर देना है परपेंडिकुलर. ओके, उस एक रिफिल लेनी है, उसको चार्ज करना है. ओके, मीन्स किसी वुलन क्लॉथ से रब करना है, चार्ज करना है. उसके सेकंड एंड को, जिसको जो हमने चार्ज करा है, उसको हम पेपर क्लिप के पास ले जाएंगे. अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, क्या जो पेपर क्लिप से अटैच फॉइल स्ट्रिप है उसमें कोई डिफ्लेक्शन या कोई मूवमेंट हो रहा है. टच नाउ अदर चार्ज बॉडीज विद द एंड ऑफ पेपर क्लिप. अब पेपर क्लिप के एंड से दूसरे चार्ज बॉडी को देखना है, क्या हमें देखना है कि फिर से फॉइल्स में कोई चेंज हो रहा है. द एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप रिसीव्स द सेम चार्ज फ्रॉम द चार्ज रिफिल थ्रू द पेपर क्लिप. इस रिफिल को हमने रब करा था, इस रिफिल पर जो चार्ज था वो ट्रांसफर हो गया था इस एल्यूमिनियम फॉइल में विद द हेल्प ऑफ दिस विद द हेल्प ऑफ दिस क्लिप. ओके, सो इट मीन्स मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स. ओके, सेम चार्ज थे, इस वजह से एल्यूमिनियम फॉइल एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे. ओके, सो इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस विच इज यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग अ चार्ज और नॉट. इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज करके हम चेक कर सकते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो उसके ऊपर चार्ज है या फिर नहीं है. ओके, जब भी जो फॉइल स्ट्रिप थी वो चार्ज अपना लॉस कर देती है. क्यों डिस्चार्ज क्यों हो जाती है, क्योंकि वो अपना चार्ज जो है वो अर्थ को ट्रांसफर कर देती है. सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम अ चार्ज बॉडी टू अ अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग. किसी चार्ज बॉडी से उसका चार्ज अर्थ में ट्रांसफर हो जाना, इस प्रोसेस को हम अर्थिंग बोलते हैं. द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग, मैं यहाँ पे पढ़ेंगे लाइटनिंग की स्टोरी. इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटनिंग इन टर्म्स ऑफ चार्ज प्रोड्यूस बाय रबिंग. ओके, अब हम रबिंग के एक्सपेरिमेंट्स पढ़ चुके हैं, तो हम इजिली लाइटनिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं. क्लास 7 में आपने देखा होगा कि थंडर स्टॉर्म जो जनरेट हो रहा था एयर करेंट्स की वजह से, वो अपवर्ड मूव करता है, वाइल जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो डाउनवर्ड मूव करती है, जिसकी वजह से वाइग्रस मूवमेंट होता है. ठीक है, बाई अ प्रोसेस नॉट येट कम्प्लीटली अंडरस्टूड द पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट नियर द अपर एज. एक प्रोसेस है जिसको अभी तक पूरी तरह नहीं समझा गया है. उसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज अपर क्लाउड्स में एक्यूमुलेट होते हैं एंड निगेटिव चार्ज जो है वो लोअर क्लाउड्स में एक्यूमुलेट होते हैं. ओके, और ग्राउंड के पे पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन होता है, जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है. अपर क्लाउड्स पे पॉजिटिव, लोअर क्लाउड्स पे निगेटिव एंड ग्राउंड पे पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट हुआ है. When the magnitude of accumulated charge becomes very large, जब जो accumulated charge है इनका magnitude बहुत ज़्यादा हो जाता है. okay? So the air, फिर air जो कि non-conductor है, bad conductor है, okay? वो इनके flow को resist नहीं कर पाती है. जब charge बहुत ज़्यादा accumulate हो रहा है, positive या negative charge जब बहुत ज़्यादा accumulate हो पाता है, तो air इनके flow को resist नहीं कर पाती है. निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से मिलते हैं और एक स्पार्क होता है जो हमें लाइटनिंग के दिखाई देता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं. लाइटनिंग सेफ्टी, लाइटनिंग के टाइम हमें क्या क्या सेफ्टी लेनी चाहिए. फाइंडिंग अ सेफ प्लेस, हमें सबसे पहले एक सेफ प्लेस ढूंढना चाहिए, हाउस के बाहर या फिर अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं बस या किसी कार से, तो आपको उसके अंदर ही रहना चाहिए, उसकी विंडो और व्हीकल के डोर को शट करके. डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म के टाइम आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. आउटसाइड, अगर आप बाहर हैं तो फिर जो भी व्हीकल्स हैं, मोटर बाइक, ट्रैक्टर या जो भी ओपन कार्स हैं, ये सब सेफ नहीं होती हैं. ओके, ओपन फील्ड, टॉल ट्रीज, शेल्टर इन द पार्क और जो एलिवेटेड प्लेसेस होते हैं, ये आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं. और अम्ब्रेला का साथ होना भी आपको हार्म कर सकता है. ऐसे टाइम में आपको क्या करना चाहिए, अगर आप फॉरेस्ट में हैं तो आपको जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं उनमें शेल्टर लेना चाहिए. अगर कोई शेल्टर नहीं प्रेजेंट है वहाँ पे, तो जो बड़े ट्रीज हैं उनसे आपको दूर खड़े होना चाहिए, जो पोल्स हैं उनसे दूर होना चाहिए. ओके,
जिस तरह से यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, इस पोजीशन में आपको खुले ग्राउंड में बैठ जाना चाहिए। इनसाइड द हाउस, अगर आप घर में हैं तो क्या करना चाहिए, लाइटनिंग जो है वो टेलीफोन या इलेक्ट्रिकल वायर के जो कॉर्ड्स हैं उनसे स्ट्राइक कर सकती है। सो सबसे पहले टेलीफोन या जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनसे आपका कॉन्टैक्ट अवॉइड करना चाहिए। मोबाइल फोन को यूज करना चाहिए ऐसे टाइम में जो कॉर्डलेस होते हैं। ओके, बाथिंग आपको अवॉइड करनी चाहिए बिकॉज रनिंग वाटर इज अ गुड कंडक्टर। जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, कंप्यूटर, टीवी, ये सब आपको अवॉइड करना चाहिए, ये सब आपको हार्म कॉज कर सकते हैं। वॉट आर लाइटनिंग कंडक्टर? लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग कंडक्टर जैसा कि यहाँ दिखाया गया एक डिवाइस है जो बिल्डिंग के एकदम अपर पोर्शन पे होता है और ये आपको लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करता है। ये कैसे बनता है? एक मेटलिक रॉड होती है जो बिल्डिंग में इंस्टॉल की जाती है वॉल्स में, वो बिल्डिंग के टॉप से लेके एकदम ग्राउंड में जैसा कि यहाँ दिखाया गया है ग्राउंड तक जाती है और नीचे ग्राउंड में कॉपर प्लेट से अटैच होती है। इससे क्या होता है, जो भी लाइटनिंग कंडक्टर है वो लाइटनिंग अगर इस पे पड़ती है तो ये उसको सीधे कॉपर प्लेट में या अर्थ में ट्रांसफर कर देता है जिससे बिल्डिंग सिक्योर रहती है। ओके, अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे, सेकंड नेचुरल फेनोमेना। इफ द थंडरस्टॉर्म ऑकर्स देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइटनिंग एंड साइक्लोन। अगर थंडरस्टॉर्म आता है तो लाइटनिंग और साइक्लोन्स की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ओके, इनके साथ साथ एक और नेचुरल फिनोमेना है अर्थक्वेक, जिसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत होती है और ये ह्यूमन लाइफ को बहुत ही लार्ज स्केल पे हार्म करता है। एक मेजर अर्थक्वेक आया था 8 अक्टूबर 2005 में इन उरी। ओके, एंड उसके पहले एक और अर्थक्वेक आया था 26 जनवरी 2001 में इन भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, गुजरात के भुज एरिया में। व्हाट इज एन अर्थक्वेक? अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ लास्टिंग फॉर अ फ्यू शॉर्ट टाइम। अर्थक्वेक एकदम अचानक से अर्थ की शेकिंग होती है जो बहुत ही कम टाइम के लिए होती है। इट कॉज, ये क्यों होता है? अर्थ के इनसाइड जो डिस्टर्बेंस हो रही है अर्थ क्रस्ट में, उसकी वजह से ये आता है। यहाँ पे पढ़ेंगे अर्थक्वेक क्यों कॉज होती है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, वो आउटर मोस्ट लेयर अर्थ के, दैट इज अर्थ क्रस्ट, वो एक पीस में नहीं है, वो फ्रेगमेंटेड है बहुत सारे पीसेस में। ओके, और हर फ्रेगमेंट को हम प्लेट बोलते हैं जो कि कंटिन्यूस मोशन करती है। कंटिन्यूस मोशन की वजह से वो एक दूसरे से टकराती भी हैं, बर्स भी करती हैं या फिर एक दूसरे पे ओवरलैप करती हैं। ओके, जब ये कोलिजन होता है, जब वो कोलाइड करती हैं या एक दूसरे के पास से गुजरती हैं बहुत तेजी से या एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, तब अर्थ के सरफेस में डिस्टरबेंस होता है जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। ओके, सिंस अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, अर्थक्वेक प्लेट्स, अर्थ की प्लेट जो होती है उनके मूवमेंट से कॉज होता है, इस वजह से इसको अर्थक्वेक जो है वो जहाँ अर्थ की वीक प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं वहाँ ज़्यादातर आने की संभावनाएं होती हैं। इन वीक प्लेट्स को हम सेस्मिक जोन या फॉल्ट जोन्स बोलते हैं। ओके, ऐसे वीक जोन्स जहाँ पे अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं इनको सेस्मिक जोन या फॉल्ट जोन हम बोलते हैं। ओके, सेस्मिक जोन या फॉल्ट जोन हमारी क्या क्या है? वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज, नॉर्थ ईस्ट, ओके, रैन ऑफ कच, राजस्थान एंड इंडो गैंगेटिक प्लेन, एज वेल एज साउथ इंडिया भी डेंजर जोन में है जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। ओके, अर्थक्वेक कितना ज़्यादा डैमेज कर सकता है, कितना ज़्यादा इसका मैग्नीट्यूड है, इसको हम एक स्केल होती है रिचर स्केल जिससे हम मेजर कर सकते हैं। अगर अर्थक्वेक 7 से 7 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होता है, इट मीन्स ये बहुत ही ज़्यादा डैमेज करता है बहुत ही हाई स्केल पे, और 7 से लो वो थोड़ा कम डैमेज करता है। फॉर एग्जांपल, जो गुजरात के भुज डिस्ट्रिक्ट में अर्थक्वेक आया था, दैट
its magnitude was 7.5, that is highly destructive. 7.5 is highly destructive. Okay, हम यहाँ पे पढ़ेंगे कैसे हम मेजर करते हैं. द ट्रेमर्स प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. ये ट्रेमर्स हैं जो अर्थ के सरफेस पे वेव प्रोड्यूस करते हैं. इनको हम, जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं इनको हम सेस्मिक वेव्स बोलते हैं. और इन वेव्स को रिकॉर्ड करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको हम सेस्मोग्राफ बोलते हैं. ओके, ये एक वाइब्रेटिंग रॉड होता है जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है. ओके, जब भी ये ट्रेमर्स होते हैं तो ये रॉड वाइब्रेट करना स्टार्ट कर जाती है. इस रॉड से एक पेन को अटैच किया जाता है. ओके, ये पेन जो होती है ये किसी चार्ट पेपर पे ये वाइब्रेशंस को, वाइब्रेशंस का ग्राफ बना देती है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट देख के बता सकते हैं कि अर्थक्वेक कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है. अर्थक्वेक से प्रोटेक्शन हम कैसे लेंगे? कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स एंड स्ट्रक्चर इंजीनियर्स. हमें जो घर बनाना चाहिए वो क्वालिफाइड आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चर इंजीनियर की हेल्प से. अगर हम हाईली सेस्मिक एरियाज में रहते हैं तो हमें मड या टिम्बर का यूज करना चाहिए अपना हाउस को मेट करने के लिए, रादर देन यूजिंग हैवी रूफ्स. ओके, हमें लाइट मटेरियल का यूज करना चाहिए. इट इज बेटर इफ द कबर्ड्स एंड शेल्फ्स आर फिक्स्ड टू द वॉल्स. अगर कबर्ड या शेल्फ जो हमने बनाए हैं वो वॉल से फिक्स हो तो वो ज़्यादा बेटर होता है. अदरवाइज अगर सिंपल ऐसे रखे रहते हैं तो वो फॉल हो जाती हैं, गिर जाती हैं. जो फोटो फ्रेम्स या जो भी क्लॉक्स आप टांग रहे हैं, हैंग कर रहे हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए. समटाइम्स सम बिल्डिंग्स में कैच फायर ड्यू टू अर्थक्वेक. ओके, कई सारी बिल्डिंग जो होती हैं अर्थक्वेक की वजह से फायर कैच कर लेती हैं, जिसकी वजह से फायर एक्सटिंग्विशर का इंस्टॉल होना चाहिए बिल्डिंग्स में. और अगर आप घर पे हैं तो क्या करना चाहिए? किसी भी चेयर या टेबल के अंडर आपको शेल्टर लेना चाहिए. ओके, टॉल या हैवी ऑब्जेक्ट से आपको दूर रहना चाहिए. अगर आप बेड पे हैं तो आपको उठना नहीं चाहिए और अपने सर को पिलो से कवर करना चाहिए. अगर आप बाहर हैं तो आपको बिल्डिंग्स और टॉल ट्रीज से दूर होना, दूर शेल्टर लेना चाहिए. अगर आप कार या बस में हैं तो आपको बाहर नहीं आना चाहिए. ओके, और ड्राइवर से बोलना चाहिए वो स्लोली स्लोली सेफ प्लेस तक ड्राइव करें. सो होप आप सभी को चैप्टर समझ में आया होगा. दो नेचुरल फिनोमेना इसमें बताई गई हैं, दैट इज लाइटनिंग, अर्थक्वेक. ओके, उसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, उनसे कैसे बचा जाए, ये सारी चीज़ें. थैंक यू स्टूडेंट्स.